उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली के कसेरट बाजार स्थित क्लासिक स्टील के मालिक सहित दो लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्लासिक स्टील के मालिक सहित छह लोगों पर करोड़ों की ठगी करने का आरोप। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली क्षेत्र के कसेरट बाजार स्थित क्लासिक स्टील के मालिक रजनीश व सुशील अग्रवाल सहित छह लोगों पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी अपने पास कमेटी लॉटरी डालने का गोरख धंधा करते थे। जब लोगों के करोड़ों रुपए इनके पास इकट्ठा हो जाते थे तो किसी को भी पैसे वापस नहीं करते थे, और जब पीड़ित उनसे अपने पैसे वापस मांगते थे तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। पीड़ित प्रेमचंद की माने तो उसने इन लोगों के पास एक कमेटी की डाली थी, जिसके 65 लाख इन लोगों के पास थे, जिनको यह काफी दिनों से इनसे मांगता हुआ आ रहा था, लेकिन यह इसे हर बार कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टरका देते थे। इन सब से परेशान होकर पीड़ित ने थाने पहुंचकर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश अग्रवाल व सुशील अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ आईपीसी 420 की धारा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। वह इस सारे मामले में एसपी हापुड़ का कहना है कि कई लोग इस तरह की शिकायतें लेकर पहले भी आए हैं। अगर कोई और व्यक्ति भी इन लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत करेगा तो उनके भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। पेश है हापुड़ के संवाददाता अदनान हवारी की खास रिपोर्ट। पल में 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है, पूरा प्रकरण क्या है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? जी, हापुड़ नगर में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें कई दिनों से कई लोग कार्यालय में आ रहे थे, सूचना दे रहे थे कि हमारे पैसे की ठगी हुई है। बार बार एक ही आदमी का नाम प्रकाश में आ रहा था, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। कोई लॉटरी में पैसे की ठगी का मामला है। आगे विस्तृत विवेचना इसमें गहनता से की जाएगी, जो भी परिणाम होगा उससे अवगत किया जाएगा।